हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। रात को हम सब लोग बहुत लेट सोए। कहीं से एक चूहा हमारे घर में घुस गया था और मम्मा ने बताया कि मैंने उसे शू रैक के पीछे जाते देखा है, तो हम सभी लोग उसे भगाने में मस्त हो गए। इस मोमेंट को भी हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, पर इस वजह से रात को सोने में बहुत देर हो गई। समर वेकेशंस चल रहे हैं तो थोड़ा लेट तक भी सो लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, सबको सोने दिया, पर मैं खुद अपना काम उठाकर मम्मा के यहाँ ले आई। तो मेरे दिन भर के काम ऑलरेडी सेट थे। एक बार मॉर्निंग में काम पेंडिंग होने शुरू हो जाए तो पूरा दिन खराब जाता है। यही सोच के मैंने अपनी ड्राउजीनेस को छोड़ दिया और उठ गई और अपना काम लेकर मम्मी के यहाँ आ गई। यहाँ पर बनी हुई थी चाय, तो सबसे पहले हम इन्जॉय करेंगे मॉर्निंग टी। तो आज मॉर्निंग टी के साथ एंजॉय करने के लिए हमारे पास है मखानास जो कि रोस्ट किए हुए हैं, रस है और च्यवनप्राश है। तो साथ साथ में जो मेरा टारगेटेड वर्क था इस टाइम पर करने के लिए, मैं वो करूँगी जिसे मुझे इस वक्त घर पे बैठ के करना चाहिए था। बट नो वरीज, काम कहीं पर भी किया जा सकता है। मम्मा भी सरप्राइज हो गई कि ये सुबह सुबह कहाँ से आ गई। तो मैंने बताया मैं एक वॉक करके आई हूँ और अपना काम लेके यहाँ पर आ गई हूँ। तो यहाँ बैठ के विदाउट एनी टेंशन मैं अपना वर्क कंप्लीट कर सकती हूँ। और वर्क क्या था एक्चुअली, वो मेरा वर्क नहीं, वो अधिराज का हॉलिडे वर्क था। सो अधिराज सिंह घर पे आराम से सो रहे हैं और उनकी मम्मा उनका हॉलीडेज होमवर्क कर रही है अर्ली इन द मॉर्निंग। क्योंकि मॉर्निंग में ना आपको फोकस होके काम करना ईजी हो जाता है, इसीलिए मैं ऐसे कामों को मॉर्निंग के लिए ही रखती हूँ। तो आज मुझे गूगल से अफ्रीकन एनिमल्स और उनके ईटिंग हैबिट्स के बारे में पता करना था, तो मैं बस वही कर रही हूँ और सारी अफ्रीकन एनिमल्स की पिक्चर वर्ड पर पेस्ट कर रही हूँ। लेटर ऑन मुझे बस इनका प्रिंट आउट निकलवाना होगा और टाइम लगते ही मैं अधिराज को इसे कंप्लीट करवा दूँगी। तो चलो घर चलते हैं, मेट के आने का भी टाइम हो गया है और मुझे पहले घर जाके सब कुछ समेटना पड़ेगा, बच्चों को उठाना पड़ेगा। और आज डीप क्लीनिंग के लिए मेरे पास शू रैक है। एक्चुअली कुछ और प्लान था बट शू रैक का काम बीच में आ गया, तो चलो आज शू रैक ही कर लेते हैं। घर पहुंची तो देखा कि सच में अभी तक बाऊजी सो रहे हैं। हस्बैंड वॉशरूम गए हुए थे तो पीछे से मैंने ये सीन कैप्चर कर लिया। मुझे इस तरीके से अधिराज को उठाना अच्छा लगता है क्योंकि वो अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें शेयर करता है जिन्हें सुनना मुझे बहुत पसंद है। मेट के आने से पहले ही मैंने सारे शूज़ को पेयर बनाकर साइड में लगा दिया था ताकि उस एरिया की डीप क्लीनिंग हो सके। तो अब मेट आ चुकी है और ये है सारे डिस्कार्डेड शूज़ जो अलग कर दिए गए हैं, जो काफ़ी स्पेस घेर रहे थे। तेरी फोटो डालो मतलब क्या था? अरे वीडियो नहीं होती क्या? बोल, मेरे दांत दिख रहा है। बोल बोल बोल, मेरा दांत दिख रहा है। दांत नहीं दिख रहा। चलो गाइस, ये कह रही है मेरे दांत दिख रहे हैं। चलो अच्छी है वैसे नेचर में, ये हंसती रहती है। तो दांत नहीं दिख रहा, आज मैं लेट आई तभी तो कह रही हूँ आपको। बेचारी के पास दिन भर में 9 घर हैं काम करने के लिए, थक कर चूर होती है, कभी कभी रात को नींद भी नहीं आती। कहती है मैं रात को आराम से सोई, आज मेरी नींद पूरी हो चुकी है इसलिए मैं खिलखिलाकर हंस रही हूँ। जिस एरिया में ये रैक पड़ा होता है यहाँ की वो अच्छे से डीप क्लीनिंग कर चुकी है,
मैं बस अब इस रैक को यहाँ पे सेट करूँगी, इसमें सारे शूज सेट करूँगी, पर उससे पहले मैं इसे माइक्रोफाइबर डस्टर से क्लीन कर रही हूँ। कुछ ऐसे शूज़ होते हैं जो भी न्यू होते हैं, उन्हें मैं शू बॉक्स में ही रखना पसंद करती हूँ। शू बॉक्स मेरे पास कम थे तो मैंने इस वाले बॉक्स को, जिसमें सर्फ आता है, इसे मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में कन्वर्ट कर लिया। और ये आइडिया मुझे बिल्कुल इंस्टेंटली आया, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल चीज़ रही। तो बस मैंने इसके साइड वाले फ्लैप्स को और एक नीचे वाले फ्लैप को कट कर दिया, और अब देखिए ये किस तरीके से मेरे यूज़ में आ रहा है। तो आप बताइए कैसा रहा मेरा इंस्टेंट शू ऑर्गेनाइज़र। और मोर ओवर मैं इसके ऊपर और भी बॉक्स टैग कर सकती हूँ, और इन बॉक्स में मैंने लिख के भी रखा है कि कौन से बॉक्स में कौन सा शू पड़ा है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मुझे सारे बॉक्सेस खोल के ना देखने पड़े। वो कितना खुला लग रहा है ना एकदम से, है ना? हाँ, एकदम से खुला लग रहा है। आज मैंने बहुत सारे शूज़ डिस्कार्ड कर दिए जिनको मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि कभी पहनेंगे, इसका भी यूज़ होगा। बट विद टाइम आपको कंफर्टेबल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और आपका टेस्ट भी चेंज होता रहता है। तो आज फाइनली ये जगह मैंने खाली कर दी, और बहुत खुला स्पेस फील हो रहा था। गाइस अभी हमको ना ऐसा खुला खुला सा लग रहा है, बताओ क्यों? क्यों गाइस? क्योंकि जो ये वाला गेट है ना, ये पहले ऐसे बंद रहता, ऐसे से रहकर ना हमें मतलब काफी बंद सा लगता था, वो मस्ती होती थी और ना ये बालकनी में पसंद नहीं आती थी। अब तो अब क्या है ना, ये गेट अब खुलने लग गया है, तो अब अच्छा लग रहा है। नहीं तो यहाँ पर पहले शू रैक था, ये हमेशा ऐसे ही रहता, इसलिए ये अब हमें खुला लग रहा है, ये बंद हो गया। सो गाइस अब मैं मम्मा की यहाँ पर ब्लैक टेप लगा मैं हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि ये में ना हम जोड़ देंगे, फिर ऐसे मजबूत कर देंगे एक दूसरे को। मैं काटने में हेल्प कर रहा हूँ मम्मा की। एक्चुअली ये दो रैक्स हैं, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए मैं ब्लैक टेप का यूज कर रही हूँ, वही टेप जो वायर्स को फिक्स करने के लिए यूज की जाती है, क्योंकि ये भी ब्लैक है और वो टेप भी ब्लैक है, तो कैमोफ्लेज भी हो जाएगा। मेड जा चुकी है और अब ये हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो उससे पहले मैंने शार ले लिया। इस टाइम तक बालकनी से धूप जा चुकी होती है, तो इस टाइम मैं डोर खोल देती हूँ ताकि थोड़ी सी वेंटिलेशन बन सके, पर कर्टन आगे कर दूंगी ताकि शेड रह सके। आजकल जोरों शोरों से होमवर्क कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ खिड़की पर खड़ी हो गई, आशु और ओजू को देखने लगी, दोनों होमवर्क कर रहे थे। क्या बनाया? 74? नहीं, 704 नंबर। ओके। इसमें स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन यूज होती है ना। जो थम्स अप और जो थम्स अप जब तक मम्मा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही है, तब तक मैं एक समरी कूल ड्रिंक बनाती हूँ इस पुदीना के साथ। ये पुदीना मम्मा ने घर में ही उगाया है, अब बहुत सारा हो जाता है हमारे घर में, और हम रेगुलरली इसका यूज़ भी कर रहे हैं। बॉडी को कूल डाउन रखता है ये। ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले मुझे पुदीना के पत्ते अलग करने थे, तो मैं बस अब वही कर रही हूँ। एक मिक्सर जार में लिए हमने पुदीना के पत्ते,
थोड़े कम थोड़े ज़्यादा चलेंगे। इसमें डालिए ग्लासेस के हिसाब से शुगर और पानी और फिर इसे अच्छा सा ग्राइंड दे दीजिए। अब ये बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में हो गया है और अब आप इसे कंटेनर में लीजिए। अब इसमें ऐड कीजिए ब्लैक सॉल्ट, जीरा पाउडर खूब सारा और ऐड कीजिए इसमें वाटर, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी डालिए इसमें। आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं पर बच्चे नहीं पीते इसलिए हम नहीं डालते, अपने लिए फिर भी डाल लेते हैं, ऊपर से ही डाल लेते हैं। जितने ग्लासेस के हिसाब से आपने शुगर डाली थी उतने ग्लासेस के हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। इतना ड्रिंक बनाने के लिए मैंने 4 लेमन का जूस लिया है। लेमन बहुत जूसी थे तो 4 ही लगे, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आपका अपना टेस्ट है। अब मैं थोड़े ही अमाउंट में ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, बच्चों को फील भी ना हो इसीलिए। इसी के साथ एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग का एंड करती हूँ। स्टे कनेक्टेड विद ब्लॉसम शाउट्स। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गाइस बोल रहे हो, पूछ रहे हो आप? गाइस मेरे साथ खेलोगे? आप कुछ बोलना चाहते हो? हैशटैग प्लेइंग कार्ड्स जो बहुत गंदे हो चुके हैं। आप क्या ले आए हो? इसको छोड़ दो, ये चिची का सामान होता है, वहीं पे रख दो। जू होमवर्क के काम आता है ना भैया के, इसको वहीं रख दो। चलो गुड बॉय, अभी होमवर्क करेगा ना भैया। वेरी गुड, गुड बॉय है ओजू तो।